माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की एक ऐसी हीरोइन है जिनके आगे हर हीरो और हीरोइन का चार्म आज भी फीका पड़ जाता है। माधुरी दीक्षित की एक्टिंग और अदाओं के लोग आज भी दीवाने हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए आज भी उनके फैंस काफी ज्यादा बेसब्र चलते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माधुरी दीक्षित के माता पिता नहीं चाहते थे कि माधुरी फिल्मों में ना आए। इसी के साथ इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि माधुरी दीक्षित की शादी उनके माता पिता क्यों करवाना चाहते थे। बताना चाहेंगे, माधुरी दीक्षित के माता पिता चाहते थे कि माधुरी शादी कर ले और अपनी घर गृहस्थी संभाले, और शायद इसलिए उन्होंने इनके लिए लड़का तलाशना भी शुरू कर दिया था। जिस वक्त माधुरी दीक्षित को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए था, उस वक्त उनके माता पिता उनकी शादी कराने में लगे हुए थे। लेकिन इससे माधुरी दीक्षित काफी ज्यादा खफा रहती थी क्योंकि वो बॉलीवुड में अपना एक अलग ही नाम बनाना चाहती थी। काफी मशक्कत के बाद माधुरी दीक्षित के माता पिता को सुरेश वाडकर के रूप में एक लड़का मिल गया। एक वेबसाइट के मुताबिक बताया गया था कि सुरेश वाडकर उस वक्त के उभरते हुए सिंगरों में से एक थे। माधुरी दीक्षित के माता पिता ने रिश्ता सुरेश वाडकर के घर भिजवाया, लेकिन सुरेश ने वो रिश्ता करने से मना कर दिया। सुरेश वाडकर ने यह कहकर माधुरी दीक्षित से शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि लड़की बेहद दुबली पतली है। और बताना चाहेंगे, उस समय ये खबर सुनकर माधुरी दीक्षित के माता पिता तो बेहद दुखी हुए, लेकिन इस खबर से माधुरी दीक्षित काफी ज्यादा खुश हुई क्योंकि इसी रिश्ते के टूटने के बाद माधुरी दीक्षित को उनके घर वालों ने फिल्मों में काम करने की इजाजत दे दी। और इसके बाद जो हुआ आप सभी जानते हैं। बताना चाहेंगे, माधुरी दीक्षित ने अपने बॉलीवुड में करियर की शुरुआत साल 1984 में आई फिल्म अबोध से किया था, और अबोध से डेब्यू करने के बाद उनके चार सालों बाद फिल्म तेजाब आई और तेजाब से उन्हें एक नई पहचान मिली, और फिर तो माधुरी दीक्षित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बॉलीवुड में उनके अगर हिट फिल्मों की तरफ आ जाए तो उन्होंने राम लखन, परिंदा, दिल, साजन, बेटा, खलनायक, हम आपके हैं कौन, राजा और दिल तो पागल है जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, और इन फिल्मों की दीवानगी आज भी लोगों के बीच देखने को मिलती है। इन फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित ने खुद को बॉलीवुड के सुपरस्टार के तौर पर स्थापित कर लिया और उनके डांस और लटको झटकों ने लोगों को खूब सराहा। बताना चाहेंगे, हाल ही में टोटल धमाल में भी माधुरी दीक्षित नजर आई। माधुरी दीक्षित की वही अदाएं हमें टोटल धमाल में भी देखने को मिली। हालांकि इस फिल्म में एक लंबे समय के बाद उनकी जोड़ी अनिल कपूर के साथ देखने को मिली। टोटल धमाल एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिस फिल्म का निर्देशन किए थे इंद्र कुमार, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हो चुकी है।